नमस्ते दोस्तों, जिया की राजस्थानी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सूखी मसालेदार सब्जी। यह सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये मैंने 5 मीडियम साइज लिए हैं, 2 मैंने टमाटर लिए हैं, 1 शिमला मिर्च है, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। इधर हमने एक कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए आलू। आलू को हमें 3-4 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इस बचे हुए तेल में बनाएंगे हम अपनी सब्जी। तो ये देखिए, सारे आलू को मैंने निकाल लिया है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद ये मैंने डाल दिया 5 मिर्च, काली मिर्च। अब डालेंगे हम अपने कटे हुए प्याज, और ये मैंने ले ली है 1 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और प्याज को हमें 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज और शिमला मिर्च हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच रेड मिर्ची ली है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। मसालों को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम डालेंगे अपने 2 टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर को भी हम मसालों के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। तो देखिए फ्रेंड, मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी मलाई। ये मलाई हमारी दूध पर से उतारी हुई है। मलाई को भी हमें 3-4 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और लगातार 3-4 मिनट के लिए इसको चलाना है। अब इसको हम ढक के 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मलाई हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसके बाद हम डालेंगे अपने आलू, जिसको हमने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। ये मैंने लिया है 1/2 कटोरी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ग्रेवी गाढ़ी या जो भी पतली करनी है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1-1.5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट बाद हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।